सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन लेटेस्ट न्यू एजुकेशनल वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज हम लोग SBI का जो क्लर्क का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन, इन व्हिच डे इज द सेलिब्रेटेड बाय द डायबिटीज डे, ठीक है। कौन सी दिन में डायबिटीज डे मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 2 नवंबर, 14 नवंबर, 10 नवंबर एंड 15 नवंबर। सही आंसर जो होगा वो होगा क्या? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 नवंबर, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर पूछा गया है, इंडिया ऑन 30 जून 2007 साइन द इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट ऑन द 80,900 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन्स एशियन रेलवे। दिस रेलवे पर्पस टू कनेक्ट डेस नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24 एंड ऑप्शन डी 28 एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी, यानी कि 28। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन को पहली बार देखा गया था 2040 में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर पूछा गया है, द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑन 30 जून 2007 अप्रूव द प्रपोजल फॉर द कंपल्सरी रूरल पोजिशन फॉर डेथ, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर, स्कूल टीचर, बैंक प्रोटीनर्स, सिविल सर्वेंट्स एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ डेथ। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए, ठीक है, डॉक्टर्स। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आप इस क्वेश्चन को ज़रूरत पड़े तो आप लिख लीजिएगा नोट पर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड IGNOU, यानी कि इंडिया इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑन 10 जून 2007 लॉन्च इट्स MBA प्रोग्राम, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इथियोपिया, ऑप्शन सी कॉन्गो एंड ऑप्शन डी बेल्सर्स एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो होगा वो होगा क्या होगा सही आंसर इसका, आप एक बार सोच लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यानी कि इथियोपिया, ठीक है। आउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द यूनियन मिनिस्टर हु वाज ऑन 10 जून 2007 प्रेजेंटेड द होन प्रोडक्टर्स होनो प्रोडक्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बाई द लीड्स मेट्रोपोलिस यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज दिस। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन लालू यादव, पी चिदम्बरम, प्रफुल्ल पटेल, जयराम रमेश एंड ऑप्शन ई जो है वो है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इसका कौन सा सही आंसर होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी या सी, इन दोनों में से किसी एक होगा, ठीक है। ऑप्शन सी प्रफुल्ल पटेल। अब इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में साप लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हांगकांग रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन ग्रेजुएस मैनर एंड यूनिवर्सरी मेकिंग ए डिजिट ऑफ इट्स रिटर्न टू द चाइनीज रूल, व्हेन वाज द एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड। ऑप्शन दिया हुआ है इसका, 15 जून 2007, 21 जून 2007, 26 जून 2007 एंड 5 जुलाई 2007। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी, सी या बी, इन दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन सी ही होगा शायद, सॉरी ऑप्शन डी,
7 जुलाई 2007। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अलग क्वेश्चन से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछा गया है द नेपाल राष्ट्र बैंक गवर्नर एगेंस्ट हुम द कमिश्नर फॉर द इन्वेस्टिंग ऑफ एम्बुल्स ऑफ अथॉरिटी CIAA द कंट्रीब्यूशन एंटीग्राफ बॉडी ऑन 30 जून 2007 फाइल ए केस फॉर सीरियस फाइनेंशियल सीरियस फाइनेंशियल क्राइम इज डैश। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला सवाल, पहला ऑप्शन विजयनाथ हतरिया, ऑप्शन बी कृष्ण बहादुर शेरपा, ऑप्शन सी मणिकसन कोइरल एंड ऑप्शन डी दीपक गौरव सुत्ता एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, विजयनाथ हतरे। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, अब इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आने का संभावना 90% तक से ज़्यादा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार मैं फिर इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द एक्सट्रीम सिक नाइजेरियन इमिग्रेशन हुआ 30 जून 2007 बिकम द फर्स्ट ब्लैक मेयर ऑफ आयरलैंड इज, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए पेट्रिक सुडली, ऑप्शन बी डेन क्रॉफ्ट एंड ऑप्शन सॉरी डेन क्रॉफ्ट मुस्फेन, ऑप्शन सी रोटिमिया एडिवेरिया एंड ऑप्शन डी फिलिप्स ब्रेन बुटेलजी, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यानी कि रोटिमिया एडिवेरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर रोटिमिया एडिवेरिया मुस्फेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर पूछा गया है ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेज डिड ईस्ट टाइमोर वेंट टू पुल्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ है 20 जून 2007, 5 जुलाई 2007, 30 जून 2007 एंड 25 जून 2007। ऑप्शन सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 30 जून 2007। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इस क्वेश्चन को पिछले 4-5 सालों से ये क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस साल शायद आ जाएगा, तो ये सस्पेक्टेड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका आंसर जो है वो याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द टीम व्हिच बीट पंजाब इन द फाइनल ऑन 30 जून 2007 टू विन द ST ऑप्शन TNHA जूनियर नेशनल मिक्स हॉकी चैंपियनशिप एट चेन्नई इज डैश, ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन बैंक, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए एयर इंडिया। ठीक है, सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए एयर इंडिया। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। एक बार आप क्वेश्चन को हल्के अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। राफेल नेडल रेस्ट्रिक्टेड हिज सुप्रीमेसी ऑन क्ले ऑन 10 जून 2007 विथ विक्टर ओवर रोजर फेडरर इन द फ्रांस ओपन फाइनल इन पेरिस टू व्हिच कंट्रीज डस नेडल बिलोंग। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी स्पेन एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इसका सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी, स्पेन होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। ठीक है, इस ये देख लीजिए सही आंसर स्पेन। ठीक है, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप अच्छी तरह से लिख लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आ जाएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो किसी बच्चे का तो काम भी आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर पूछा गया है द टीम हु इज ट्रस्टेड इंडियन ओवरसीज बैंक ऑन 10 जून 2007 टू विन द डेली टंटन ट्रॉफी वॉलीबॉल इज डैश। ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी कनाडा बैंक, ऑप्शन सी इंडियन बैंक एंड ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी इंडियन बैंक। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बैंक का कोई भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, चाहे आप SBI का क्लर्क हो या IBPS हो या RBI का कोई एग्जाम हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द 20 ईयर ओल्ड टेनिस प्लेयर हु ब्रेक करण रस्तोगी ऑन 9 जून 2007 टू विन द ONGC $10,000 ITF फ्यूचर्स मीन्स टेनिस टूर्नामेंट इन डेहराडून इज डैश। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। ऑप्शन दिया हुआ है अभिषेक तिवारी, ऑप्शन बी प्रकाश अमृतराज, ऑप्शन सी मृणाल सिन्हा, ऑप्शन डी चंदन मठोर। ठीक है, चंदन मठोर एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश अमृतराज। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जिस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। अब बताए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप क्वेश्चन को और आंसर को भी अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द हैदराबाद बेस्ड मार्केट ऑन डायरी प्रोडक्ट विच ऑन 30 जून 2007 लॉन्च द फ्रेश जीरो सेल ऑफ रिटेल स्टोर्स इन चेन्नई इज डैश। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, अगर आप बैंक का एग्जाम कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ऑप्शन दिया हुआ है क्रिप्स फूड्स, ऑप्शन बी फोडियो, ऑप्शन सी फ्रेश एंड हेथली, ऑप्शन डी हेरिटेज फूड्स। सही आंसर दो होगा ऑप्शन बी हेरिटेज फूड्स। ठीक है, हेरिटेज फूड्स, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय IBM द लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया ऑन 8 जून 2007 टू हेल्प कंपनीज रिड्यूस देयर एनर्जी कंसप्शंस बाय द ऑलमोस्ट 50% इज देयर। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को आज से 4 साल पहले यानी कि 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन दिया हुआ है बिग ग्रीन पावर सेव, ऑप्शन सी बिग सेवर एंड ऑप्शन डी ग्रीन पावर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए बिग ग्रीन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि TRAI एलो अपॉर्टिंग ऑफरिंग ग्लोबल सर्विसेज एक्सेस द सबमरीन केबल लैंडिंग स्टेशन ए मूव दैट कैन लेयर इंटरनेशनल बैंडविड्थ ट्रैफिक्स। ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 2nd June 2007, ऑप्शन बी 5 जून 2007, ऑप्शन सी 7 जून 2007 एंड ऑप्शन डी 9 जून 2007। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 7 जून 2007। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, ये क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
अब एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, ऑन 7 जून 2007 द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सस्पेंडेड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, वंडर स्टॉक सिक्योरिटीज, ओमेगा इक्विटीज एंड ऑप्शन सी वुड स्टॉक ब्रोकिंग एंड ऑप्शन डी जनरल सिक्योरिटीज। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क का जो एग्जाम होने वाला है, ये वहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ABC and D एंड ऑप्शन बी ABC, ऑप्शन सी BNC एंड ऑप्शन डी AND। सही आंसर कौन सा होगा इसका, सही आंसर कौन सा होगा इसका आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि ABC। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दे देता है कल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, द फार्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर एंड चीफ सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर्स साहिब सिन्हा वर्मा वॉज किल्ड ऑन 30 जून 2007 इन ए रोड एक्सीडेंट इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आने का संभावना थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी अलवर एंड ऑप्शन डी सीकर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी अलवर, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 90, द ग्लिसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज इन इंटरनेशनल न्यूज ऑन 30 जून 2007 व्हेन ए स्मोकी जीप इन फ्लेम्स क्रैश्ड, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को भी हल्का में बिल्कुल नहीं लेना। क्रैश्ड इन टू द एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग, व्हेयर इज दिस एयरपोर्ट लोकेटेड, ठीक है, वो कौन सा कंट्री में वो एयरपोर्ट था। ऑप्शन दिया हुआ है यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्वीडन। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आप इस क्वेश्चन को भी हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सीनियर ऑफिसर हु वाज ऑन 30 जून 2007 अपॉइंटेड एज द न्यू स्टेट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान इज डैश। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन ए डी सी सामंत, ऑप्शन बी विनोद पहारेश, ऑप्शन सी अनिल विश्व एंड ऑप्शन डी पुकार वर्मा एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस। सही आंसर कौन सा होगा इसका, सही आंसर होगा ऑप्शन ए डी सी सामंत, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करोगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आ जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, सिर्फ 30 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है, आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। ये भी इस क्वेश्चन को आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, 90% से भी ज़्यादा है, मैं इतना तो कह सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कानपुर, श्रीनगर, कोलकाता, पटना, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिजेक्टेड एज 9 जून 2007 इंडियन पीओ फॉर एक्सट्राऑर्डिनेशन ऑफ बॉर्डर्स केसेस एसओ ओटीपीओ कंट्रीज कंट्रीज, ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, कभी कभी मैं एक दो क्वेश्चन छोड़ भी देता हूँ, तो आप लोग उसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दिया हुआ है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी पोर्टुगल, ऑप्शन सी मैक्सिको एंड ऑप्शन डी इटली। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द स्टेट गवर्नमेंट व्हिच ऑन 9 जून 2007 गेव एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस टू द प्रपोज 1000 MW सुपर टर्मिनल पावर प्रोजेक्ट इज डैश, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी राजस्थान, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से
अपने बुक में या फिर कोई भी नोटबुक में आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच पॉलिटिकल पार्टी वॉन्ट द यूनाइटेड प्रोग्राम अलायंस यूपीए ऑन 8 जून 2007 ऑफ ए नेशनल वाइड एंड अगेंस्ट एजिटेशन अगेंस्ट सेट अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बहुजन समाज पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, जनता भारतीय जनता पार्टी एंड तृणमूल कांग्रेस। सही आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन बी जनता दल, ठीक है, यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, तब एग्जाम पेपर पड़ेगी आपके हाथ में, तब आपको पता चलेगा कि कैसा एग्जाम होता है, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, द यूरोपियन लीडर हु ऑन 10 जून 2007 कॉल फॉर क्रिएटिंग ए यूरेशियन अल्टरनेटिव्स टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज दिस। ऑप्शन ए एंगेल मार्केल, व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी टोनी वेलियर, ऑप्शन डी निकियस आर्कोस एंड ऑप्शन ई नॉन ऑफ दिस, ठीक है। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, यानी कि व्लादिमीर पुतिन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को भी आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑन 9 जून 2007 विथड्रॉल ए कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस इम्पोज स्वीपिंग कर्व्स ऑन मीडिया फॉलोइंग नेटविच प्रोटेस्ट। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी क्रोटियन, ऑप्शन डी गाना। सही आंसर दो होगा होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर पूछा गया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रीमैरिड ऑन 9 जून 2007। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी लेसो। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी मलेशिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन टीम ऑन 9 जून 2007 एंड इट्स द कालीमार्क ट्रॉफी इज द एसटी इज द एसटी जोसेफ पीजोन मेमोरियल ऑल इंडियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट इन चेन्नई। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑप्शन बी वेस्टर्न रेलवे, ऑप्शन सी मणिपुर स्टेट एंड मणिपुर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड ऑप्शन डी सेंट्रल रेलवे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द लेजेंडेरियन यूएस टेनिस प्लेयर हु वाज हॉनर्ड विद द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन हाईएस्ट एक्लिट द फिलिप सेट्री अवार्ड एट पेरिस ऑन 7 जून 2007 इज दिस। लाफना लेंडल, बॉब ब्रेन, ऑप्शन सी जॉन एमसिनरोन एंड ऑप्शन डी रोबिन एमरलिन। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी जॉन एमसिनरोन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इस क्वेश्चन को भी आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, द क्रिकेट साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हु वाज ऑन 7 जून 2007 अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फॉलोइंग द डेथ ऑफ पार्सी सोना इन मे 2007 इज दिस। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए राय मल्लिक, ऑप्शन बी पेटर कोम्बो, ऑप्शन सी निल्स जेनी एंड ऑप्शन डी मार्टियन सेल्टर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए राय मल्लिक। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, ए मीटिंग ऑफ द नेपाल इंडियन एक्सचेंज कमिटी टुक प्लेस इन काठमांडू ऑन 7 जून 2007 टू डील विद द प्रॉब्लम रिलेटेड टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
between the two countries when was this committee first established? ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1902, ऑप्शन डी 1994। सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी 1992। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर पूछा गया है द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑयल एंड गैस डिस्कवर ऑफ द ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी कि ONGC एंड अनाउंस ऑन 7 जून 2007 इज इन द डैश बीन्स। ऑप्शन ए महेंद्री, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए महेंद्री। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑस्ट्रेलियन फिल्म्स डिड सीफी एंड इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर अनाउंस इट्स टाई अप ऑन 7 जून 2007। ऑप्शन ए सी कंपनी, ऑप्शन बी सीओ कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी 04 कॉरपोरेशन एंड ऑप्शन डी 0 CO। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी 04 कॉरपोरेशन। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पर पूछा गया है द US बेसिक सिंगल सोलर ऑन 7 जून 2007 अनाउंस प्लान इज टू इन्वेस्ट $2 billion इन इंडियन फॉर एस्टेब्लिशिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी विल सर्व एज हेडक्वार्टर ऑफ द कंपनी फॉर इट्स एशियन मार्केट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई एंड ऑप्शन डी दिल्ली। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी दिल्ली, ठीक है। इस क्वेश्चन को आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, अब इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली बॉलीवुड मूवीज दे गेट द ऑनर ऑफ बेस्ट फिल्म इन द 18th IFA अवार्ड सेरेमनी एट सिसिल वर्कशेयर ऑन 9 जून 2007। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए लगेरा मुन्ना वाले, ऑप्शन बी ओमकर, ऑप्शन सी रंगदे बसंती एंड ऑप्शन डी क्रिस। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, रंगदे बसंती। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इस क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, ये क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ऑन 9 जून 2007। जे एम गार्ग, दीपक परमार, ऑप्शन सी गौरव शर्मा, ऑप्शन सी मुकुल सिन्हा। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन ए जे एम गार्ग, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आप इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, मैं आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, जे एम गार्ग। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर पूछा गया है द हिंदी फिल्म म्यूजिक कंपोजर और रिस्टरियर्स हु ऑन 9 जून 2007 डिट इन मबलिंग ऑन 9 जून 2007 इज डैश स्नकर जयकिशन दत्ताराम वाटकर एंड ऑप्शन डी ओ पी नैयर। ओ पी नैयर NAYYAR ओ पी नैयर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दत्ताराम वाटकर, ठीक है, वाटकर। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, अब इस क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, द फेमस क्रिमिनल लॉयर हु ऑन 9 जून 2007 सर्वड नोटिस ऑन NDTV आस्किंग इट टू इमीडिएटली स्टॉप टेलीकास्टिंग एनी न्यू स्टोरी रिलेटिंग टू हिम इज डेथ। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए राम जेठामालानी, ऑप्शन बी आर के आनंद, ऑप्शन सी प्रजापति कृष्णमय, ऑप्शन डी डी के माथुर। सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
39 यहाँ पर पूछा गया है इन व्हिच ईयर वाज नेशनल एंड डेवलपमेंट काउंसिल सेट अप 1950, 1949, 1955, 1952 सही आंसर जो होगा होगा ऑप्शन डी। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है मैं इसको बोल नहीं दूंगा आप इसे अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए। ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही जय हिंद।